नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में आज बात एक ऐसे तेज तर्रार नेता की जो अपने तर्क से विरोधियों की बोलती बंद करने के कारण मशहूर हुआ, लेकिन जब वो चुनावी अखाड़े में उतरा तो पहली परीक्षा में ही फेल हो गया और अब एक बार फिर मैदान में है। बात ऐसे नेता की जो टीवी डिबेट में बेबाकी से बोलता है, बात चाहे मुश्किल में फंसी पार्टी की हो या सरकार की योजनाओं की। नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा पिछले कुछ सालों में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली प्रवक्ता के तौर पर सामने आए हैं। पात्रा को बीजेपी ने ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। संबित का मुकाबला मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और बीजू जनता दल के प्रत्याशी अरूप पटनायक से है। संबित पात्रा का जन्म 1974 में बिहार के धनबाद में हुआ था, जो अब झारखंड का हिस्सा है। मूल रूप से उड़िया परिवार से आने वाले समृद्ध के पिता रविंद्रनाथ पात्रा बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। ऐसे में उनका बचपन धनबाद में ही बीता। पात्रा की इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बोकारो के चिन्मयानंद स्कूल में हुई। स्कूल के दिनों में ही समृद्ध चिन्मयानंद सरस्वती से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने काफ़ी हद तक बोलने की कला स्वामी चिन्मयानंद से ही सीखी। संबित ने 1997 में संबल के वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट से MBBS और 2000 में कटक के श्री रामचंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज से जनरल सर्जरी में मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री ली। संबित पात्रा 2003 में UPSC की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा भी पास कर चुके हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने हिंदू राव अस्पताल में बतौर डॉक्टर पहली नौकरी ज्वाइन की और फिर साल 2006 में स्वराज नाम का एक NGO बनाया, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गरीबों और दलितों की स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करता था। बाद साल 2010 की है। ये साल संबित पात्रा की जिंदगी में काफ़ी अहम रहा। उन्होंने BJP की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता बना दिया। इसके दो साल बाद MCD के चुनाव में पात्रा ने किस्मत आजमाई। 2010 में हुए MCD चुनाव में दिल्ली के कश्मीरी गेट सीट से BJP ने टिकट दे दिया, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो पात्रा की हार हुई। वैसे संबित की खासियत है उनकी बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता है। BJP के बड़े नेताओं को पात्रा की बोलती की शैली काफ़ी पसंद आई और उन्हें 2014 की लोकसभा चुनाव में प्रचार का अहम जिम्मा सौंपा गया। इस दौरान संबित राष्ट्रीय टेलीविजन का एक जाना माना चेहरा बन गए। 2014 के चुनाव में BJP को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद उन्हें BJP का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। संबित अरुण जेटली को अपना गुरु मानते हैं और अपने दमदार तर्कों की वजह से TV चैनलों पर छाए रहते हैं, लेकिन जब 2017 में उन्हें मोदी सरकार ने उन्हें ONGC का डायरेक्टर बनाया तो खूब विवाद हुआ। अक्सर विरोधी इस मुद्दे पर पात्रा को घेरते हैं। वैसे संबित की चाह सांसद बनने की रही है, लेकिन वो अपना पहला चुनाव ही हार गए। संबित पात्रा ने 2019 में पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा से 11,700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद संबित पूरी में डटे रहे और पिछले 5 सालों में जमीनी स्तर पर खूब पसीना बहाया। आप देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि पूरी की जनता का वो कितना भरोसा जीत पाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।